हेलो सेवंथ क्लास। इससे पहले पार्ट में हमने जाना कि अर्थ हैज थ्री मेन लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड ग्रोथ। तो आज हमने उस पार्ट में डिस्कस किया था प्रॉपर्टी को, जो हमारी सबसे बाहर की लेयर है, पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी या क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, यह हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जिन लेयर्स को डिस्कस करेंगे उनके नाम है मेंटल और कोर। तो अब बात करते हैं मेंटल की। अब क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है वो है आपकी मेंटल। अब जो हमारी अर्थ की सबसे बाहर की लेयर है वो है क्रस्ट। क्रस्ट लेयर के बाद जो लेयर आती है उस लेयर को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ये कहाँ होती है? अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये लेयर कहाँ पे होती है। ये क्रस्ट के जस्ट नीचे होती है, यानी कि क्रस्ट के नीचे जो लेयर आती है वो है आपकी मेंटल। और मेंटल जो है हमारी, ये जो लेयर है वो करीब करीब 3000 किलोमीटर गहराई तक चलती है। यानी कि अगर हम 40 किलोमीटर का गहरा खड्डा खोदेंगे तो हम क्रस्ट पार करेंगे। हम कौन सी लेयर को पार करेंगे? जो हमारी सबसे बाहरी लेयर है, क्रस्ट। और फिर जो लेयर आएगी वो आएगी आपकी मेंटल। और मेंटल को पार करने के लिए हमें 3000 किलोमीटर और खोदना होगा। मीन्स जो हम 40 किलोमीटर खोदेंगे उसको, जो गहरा गड्ढा खोदेंगे तब तक हम क्रस्ट पे ही पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद जो लेयर आएगी वो आएगी मेंटल। और मेंटल को क्रॉस करने के लिए, मेंटल को पार करने के लिए हमें 3000 किलोमीटर और खोदना होगा। तो जिस लेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम मेंटल है। तो हम समझ सकते हैं कि मेंटल कितनी बड़ी लेयर है। हमारी नेक्स्ट लेयर है कोर। कोर जो है मेंटल के बाद जो लेयर आती है, हम समझ रहे हैं क्रस्ट के बाद कौन सी लेयर आई? मेंटल। और मेंटल के बाद जो लेयर आती है वो है आपकी कोर। कोर ये जो शब्द है इसका मतलब होता है किसी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को कोर कहा जाता है। यानी कि कोर हमारी अर्थ की सबसे अंदर की लेयर है। हमारी अर्थ को हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारी अर्थ एक बड़ी बॉल है, और बड़ी बॉल के अंदर फिर एक छोटी बॉल, फिर उसके अंदर एक छोटी बॉल। तो जो सबसे अंदर की लेयर है ये एक बॉल है जिसका रेडियस 3500 किलोमीटर है। ये जो लेयर या बॉल है इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? निकिल और लोहा पाया जाता है। तो हमारे समझ में आ गया कि जो हमारी सबसे बाहरी लेयर है वो क्रस्ट है, उसके बाद की जो लेयर है वो मेंटल है, और उसके बाद की जो लेयर है वो कोर है, और उसमें सबसे ज्यादा निकिल और लोहा पाया जाता है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप द टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ये तो है हमारा मेंटल। इसके बाद है कोर, रोड। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विच अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे। द सेंटर कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। सबसे आंतरिक परत हमारी क्या है? क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया मेंटल और क्रोड को। अब इसमें जो एक पॉइंट और है हमारा, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। अब जो हमारी अर्थ की सबसे गहरी खदान हमारी दुनिया की है वो है साउथ अफ्रीका में। ये खदान सिर्फ 4 किलोमीटर गहरी है, जबकि हमारी अर्थ का जो सेंटर है वो 6000 किलोमीटर पे है। यानी कि हमारी अर्थ में हमने बस जरा सा हल्का सुराग किया है। तो हमारी समझ में आ गया, जो हमारी अर्थ है उसमें हमने सिर्फ एक हल्का सा सुराग किया है। तो हम अपने अर्थ के लेवल पे बात करें, हमारी अर्थ को अगर हम प्याज माने तो हम इंसानों ने उस प्याज को सिर्फ सुई लेकर, मीन्स जो सुई को लेकर थोड़ा सा खुरचा भरा है, मीन्स उसमें हल्का सा खुरच रखा है उसे, इससे ज्यादा
कुछ नहीं किया है। हम इंसान अपनी अर्थ में देखा जाए कितनी गहराई तक जा चुके हैं, तो वो गहराई सिर्फ 4 किलोमीटर है। एक और खदान बनाई गई है 10 किलोमीटर की, तो देखा जाए तो वो भी कुछ नहीं। तो अब हमारे समझ में आ गया कि जो हमने अर्थ को, जो हम अभी हमें बहुत अंदर क्रोड में जाने के लिए उसे बहुत अधिक खोदना होगा, लेकिन वहां पर जो है उसका क्या है, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। तो हमने आज डिस्कस किया मेंटल और क्रोड को, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रॉक्स को। थैंक यू।